छापेबाजी की घटना का खुलासा किया। एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालकर देते थे घटना को अंजाम। डिजिटल युग में लगातार साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम बढ़ने के साथ साथ साइबर चोर भी अब सक्रिय हो गए हैं, जहां एटीएम कार्ड को बदलकर चोर लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसी प्रकार पीड़ित की शिकायत पर टीकमगढ़ पुलिस ने चोर को पकड़कर खुलासा किया है। दरअसल टीकमगढ़ में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित अनीस हुसैन की शिकायत पर टीकमगढ़ पुलिस ने पड़ताल करने पर दयाराम यादव निवासी करई जिला सागर को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया। वह इस सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसी व्यक्ति के होने की आशंका जाहिर की थी, जिस पर पुलिस ने कड़ी पूछताछ में आरोपी दयाराम यादव को गिरफ्तार किया है। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। बताएं क्या मामला था जो आपका? मैं बैंक आ रहा था, मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देना था बैंक में रिटायरमेंट का, तो मुझे कुछ पैसे निकालना थे एटीएम से। तो ये पुराने पर्चेज में जो एटीएम है उसके अंदर गया, एटीएम खाली था। जैसे मैं अंदर पहुंचा, अंदर पहुँचने के मैंने कार्ड निकाल के तड़प, एक शख्स पीछे से आया और उसने मेरे हाथ पर इतना पूछी कि मेरे हाथ से एटीएम लेकर बोला आप गलत डाल दी, उसको कैसे डालिए। मैं समझ नहीं पाया, उसने एटीएम को अंदर डाल दिया, उधर पीछे चला गया। मैंने फंक्शन किया तो एटीएम ने कंप्यूटर बताया कि आपका एक पेमेंट ब्लॉक है। इतने में मैं कार्ड मैंने दिया, कार्ड नहीं देकर अपने पॉकेट में रखा, फिर सीधा मैं बैंक चलाया। वो शख्स जो है स्टैंड की तरफ, पुराने स्टैंड की तरफ चला गया। मैं पैसा जब बैंक आया, बैंक में मैंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया, लाइफ से कम से कम घंटा डेढ़ घंटा मुझको बैंक में लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो स्टेट बैंक में जो एटीएम है उसमें ट्राई करूँ, उसमें पैसा मिल जाए, तो मैं उसमें गया। उसमें वही कार्ड मैंने इस्तेमाल वहाँ किया, उसमें ब्लॉक बताया, वहाँ गार्ड बैठे हुए थे। मैंने उसके बाद से गार्ड ने देखा, बोला ऐसा कीजिए कि आपका एटीएम बंद है, आप जान नंबर मैडम बैठी उनके पास चले जाओ, बात करो, उनको बता दो। फिर मैं अंदर बैंक गया तो मैडम से बात की मैंने, मैडम मेरा नाम पूछा, अकाउंट नंबर पूछा, मैं बताया, बोले एटीएम कहाँ है, मैंने दिया। उसने देखा तो मैडम ने बताया कि आपका एटीएम जो है ब्लॉक है, आपका एटीएम नहीं है, दूसरे का। तो हम कहा मेरे एटीएम तो कहाँ गया, बोले ये तो आप जानिए, ऐसा कीजिए कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए ताकि मैं इसको बंद कर दूँ। तो मेरी समझ में नहीं आई, मैं वापस आया, घर आया। घर होने के बाद मैंने अपने बच्चे से मिला, ये पकड़ पकड़ा हुआ है। फिर आया बैंक, एप्लीकेशन उन्होंने बंद किया। कुछ बीच में मैंने जब आग पहले से देखा तो उसने 20,000 रुपये तीन बार करके निकाला, 9,500 7,000 पैसे करके निकाल दिया। फिर मैंने लेके पुलिस में मैंने उसकी कंप्लेन की। मैं टीआई कोतवाली मनीष, मैं ये आम जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि एटीएम या इस प्रकार की कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत सी सावधानी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। वैसे भी आमतौर पर आरबीआई और समय समय पर साइबर सेल द्वारा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं कि कभी भी एटीएम को इस्तेमाल करते समय एटीएम परिसर में कोई व्यक्ति ना रहे। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, देखने में आया, आने जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको रोक टोक करके बाहर कर दें। एटीएम अपनी ही देख रेख में इस्तेमाल करें, और जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं और जो भी गुप्त कोड है, जो भी बैंक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पूरा पालन किया जाए, इससे कि ताकि आम जनता में और भी अन्य व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो सके। और कभी भी अगर इस प्रकार की कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध आचरण कहीं पर दिखता है, तत्काल पुलिस को सूचित करें।